जहां एक और सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, लेकिन हालात है कि किसान अभी भी अपनी दैनिक स्थिति से गुजर रहा है और किसानों को पुरसाल पूछने कोई भी नहीं है। कुछ ऐसा ही किसानों की स्थिति का नजारा लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है। दरअसल लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील इलाके के संपूर्णा नगर रहने वाले एक किसान ने सिस्टम से परेशान होकर अपने 4.5 एकड़ खेत में तैयार खड़ी धान की फसल खेत में ही नष्ट कर दी। सरकार के 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी करने वाले दावों के बीच किसान बेहाल नजर आ रहा है। न ही क्रय केंद्र धान खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं और न ही जिला प्रशासन किसानों के लिए संजीदा नजर आ रहा है। किसानों की माने तो लागत की अपेक्षा मंडी में 1000 प्रति कुंडल धान बिक रहा है और क्रय केंद्रों पर महज खानापूर्ति की जा रही है, जिसके चलते वह अपनी फसल खेत में ही नष्ट कर रही हैं। मामले में किसानों के जले पर नमक छिड़क रहे जिला प्रशासन इसे सस्ती लोकप्रियता करार दे रहा है। जिला प्रशासन की माने तो जिले में 134 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिसमें लगातार किसानों से उनके धान की खरीदी की जा रही है। नाम सतनाम सिंह, सन्नो बलदेव सिंह, ग्राम गदनिया, तहसील पलिया, जिला लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। मेरा धान 4.5 एकड़ मैंने खुद स्वयं जोता है, उसका उचित मूल्य ना मिलने के कारण और किसान पहले ही घाटे में जा रहा है। 10 हजार का घाटा पहले ही डल रहा है, ऊपर से कंपेन की निकलाई 2000 रुपये जा रही है और मैं क्रय केंद्र पे भी लेके गया था, वहाँ 14 तारीख के टोकन है, 14 तारीख के हमारे टोकन है, वो टोकन अभी तक तुले नहीं है। बनियों के पास गया, वो 1000 रुपये मूल्य बता रहे थे, इसी कारण मैंने अपना खेत जोत दिया। देखिए, वर्तमान में धान के 136 क्रय केंद्र चल रहे हैं और अभी तक लगभग 3000 MT से अधिक की खरीद हो चुकी है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी अधिक से अधिक खरीद हो। शुरुआती दौर में कुछ मॉइस्चर के प्रॉब्लम्स थी कि 20% 22% तक मॉइस्चर आ रहा था, लेकिन अब वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो बड़े पैमाने पर खरीद हो रही है। जो तथाकथित वीडियो है वो निश्चित रूप से कोई भी कृषक ऐसा नहीं होगा जो अपनी फसल को, खड़ी फसल को जोत देगा। अगर ऐसा व्यक्ति है तो हम नहीं समझते कि हिंदुस्तान में एक कल्चर रहा है कि जिसको हम फसल को अपनी माता और धरती को अपनी माँ समझते हैं उसको इस तरह से नुकसान पहुँचाया जाए। ये केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जहाँ तक खरीद की बात है, इसको 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी कृषक हैं वो अपना ऑनलाइन अप्लाई करें और सबकी खरीद की जाएगी।